गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी की यूट्यूब क्लास में क्लास 10 के स्टूडेंट्स का साइंस सब्जेक्ट के लिए स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली क्लासेज में फिफ्थ चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को शुरू किया था, जिसमें हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट की बात की थी। एसिड की हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट के द्वारा हमने उसकी क्या डेफिनेशन को पढ़ा। आरएनएस ने बताया जो H प्लस देता है वो एसिड और जो OH माइनस देता है वो बेस। फिर हमने ब्रोंस्टेन एंड लोई की बात की थी, जो H प्लस यानी कि जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, बेस। इसी तरह हमने बात की कि कुछ ऐसे होते हैं जो जिन कुछ स्पीसी ऐसी होती है जिनके अंदर ना तो H होता है ना OH माइनस होता है, और लेकिन वो एसिड और बेस की तरह काम करती है, तो हम उनको कैसे बताएंगे। उसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस कॉन्सेप्ट क्या है? लुईस ने बताया है कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आप बोलोगे मैडम इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसे कि मैंने आपको नाइन्थ क्लास में बताया कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, जब भी कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होती है तो उसमें क्या होता है, ऑक्टेट पूरा होता है। अगर किसी सब्सटेंस पे ऑक्टेट पूरा नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या कहलाएंगे, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो क्या कहलाएंगे। तो आपकी बुक में देखिए एसिड्स आर सब्सटेंस, पेज नंबर 54 पे देखिए, एसिड्स आर सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि एसिड वो होते हैं, एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। समझ में आया? यानी कि आपको ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो गेन करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी लिख सकते हो, है ना। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो कौन होगा, एसिड होगा, और जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर भी बोलते हैं। यानी किसी भी, जैसे मेरे पास एच स्पीसी है उसके ऊपर मैंने दो डॉट लगा दिए, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, एक पेयर है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलते हैं और लोन पेयर भी बोलते हैं। तो एसिड वो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो एसिड लुईस एसिड, उस वक्त हम क्या नाम बोलेंगे, जो लुईस एसिड होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और किसी और को डोनेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? दस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेस। जो एक्सेप्टर होंगे वो एसिड होंगे और जो डोनर होंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। देखो आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, BF3 प्लस NH3। एक स्पीसीज है मेरे पास BF3 और एक मेरे पास है NH3। NH3 के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, यानी कि इस ये क्या है, लोन पेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, ये देने वाला है, देगा तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये बेस कहलाएगा, और ये लेगा तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड क्या कहलाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, इधर देखो BF3 ऐसे एरो NH3, इसके पास ये बनेगा, समझना है, यानी कि इसने लोन पे इसको ये दे रहा है, इसलिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू इट लुईस बेस गिव इलेक्ट्रॉन एंड लुईस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड वेयर बोथ आर अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि
लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में जब लॉरपेयर का देना होता है और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वो कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होगा। यानी कि जो दे रहा है लॉरपेयर जो दे रहा है वो होगा बेस और जो ले रहा है वो क्या हो जाएगा एसिड। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बुक का पढ़ के सुना रही हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटी कंपाउंड विल वर्क लाइक एसिड्स आर कॉल्ड लुईस एसिड। यानी कि इस थ्योरी के अनुसार जिन ऐसे कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये इसमें बताया। जनरली कैटायंस और दोस कंपाउंड हुज ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट आर लुईस एसिड। ठीक है, फिर इन्होंने बात की इलेक्ट्रॉन रिचर और कंपाउंड्स हैविंग जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और वो क्या कहलाएंगे, लुईस बेस कहलाएंगे। इन दिस वे नॉट ओनली H+ और OH- कंटेनिंग सब्सटेंस आर एसिड एंड बेस। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिन सब्सटेंस के पास H+ और OH- है वही एसिड की तरह काम करेंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो एसिड की तरह काम करेंगे और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो किसकी तरह काम करेंगे, बेस की तरह काम करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ बच्चों, इधर देखिए, अब हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। हम कुछ एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो आपको सबसे पहले पता है कि जनरल प्रॉपर्टी यानी सामान्य जानकारी, जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड। ठीक है, जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को किसमें कर देते हैं, ब्लू में। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि जो एसिड होते हैं वो रेड को किसी भी लिटमस, रेड लिटमस जो होता है ना उसका कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन ब्लू लिटमस अगर हम एसिड में डिप करेंगे तो रेड हो जाएगा और बेस में अगर हम रेड लिटमस को डिप करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, जो एसिड होते हैं ना वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। जैसे जो एसिड होते हैं, ये हमारा एसिड, साथ में मैंने डाला मेटल, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। गैस के लिए बच्चों हम क्या लगाते हैं, ऊपर एरो लगाते हैं। जैसे मेरे पास एसिड क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4+G, ये रिएक्ट करेगा। देखो बच्चों, यानी कि मेरे पास एसिड है कौन सा, H2SO4, और इस H2SO4 को मैंने किसी जिंक के बर्तन में डाल दिया या किसी जिंक के टुकड़े के कॉन्टेक्ट में रख दिया। जिंक क्या है, मेटल है, आपने पढ़ा है ना मेटल और नॉन मेटल। जी हाँ, 9th क्लास में पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम अभी 10th में पढ़ लेंगे। आप जानते हो ना मेटल कौन से होते हैं, अपना सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड है ना, प्लेटिनम, ये सब के सब क्या है, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब के सब क्या है, मेटल है, जो हम 9th में पढ़ता है। तो जो एसिड होते हैं बेटा वो मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो देखो जो H2SO4 है इसमें ये H+ और SO4-2 में जुटेगा, तो ये इसके साथ जो मेटल होते हैं वो हमेशा कैटायन बनाते हैं, पढ़ के आ चुके। तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा ZnSO4+H2। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। इसी कारण बोला जाता है जो एसिड होते हैं उनको मेटल में नहीं रखना होता है। जैसे आप लोगों ने अभी गर्मियां चल रही है तो आपने देखा होगा कि जो हम सिकंजी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, उसको हम लोटे या किसी स्टील के बर्तन में रखते हैं, थोड़ी देर बाद उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेरी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्टील है वो मेटल से मिलकर बना है और वो उससे आपस में रिएक्ट करता है और जिससे क्या हो जाता है,
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और वो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है बच्चों, इधर देखो, दिख रहा है डायग्राम आप सबको? एक एक्टिविटी दे रखी है, दिख रहा है? अभी मैं इसको पढ़ के बताती हूँ। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, और एसिड के बाद इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले। अब जिंक ग्रेन्यूल्स और एसिड आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे। हाइड्रोजन गैस को इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब है, इस ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस को क्या किया, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर हम जो हाइड्रोजन गैस होती है ना बेटा, वो पॉप साउंड के साथ जलती है। कौन से साउंड के साथ? पॉप साउंड के साथ। जो अगर हम जिस किसी भी टेस्ट ट्यूब में अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें से हाइड्रोजन गैस बन रही है और उसके साथ में हम माचिस की तीली ले जाएंगे तो पट सा आवाज आएगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का। सिंपल है ये, हमें पता चल जाएगा कि पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। इसी तरह जो एसिड के जैसे जैसे कौन करता है बेटा, ये एसिड के साथ मैंने रिएक्शन करवाई और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की, उसी तरह बेस के साथ भी हमारा जो बेस होता है ना वो भी मेटल के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो यहाँ एसिड की जगह मैं बेस लिख दूं, चलेगा, दौड़ेगा, बेस मेटल, बेस और मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे, और सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ बेस ले लिया NaOH और साथ में मैंने ले लिया जिंक, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बनाएगा, यानी कि Na, ठीक है, 2, बीच में कौन आ जाएगा, Zn, और इधर क्या हो जाएगा, O2, Na2ZnO2+ हाइड्रोजन गैस, ये क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और ये हमारा बैलेंस, अब बैलेंस कर लो रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस बन गई। इसी तरह जो एसिड होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे मैडम मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिड, एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, आपकी बुक का थर्ड पॉइंट देखिए, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करता है और साथ में क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है, जैसे CuO, चलो ये मैं आपको करके बताती हूँ, एक बार आप ये लिखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ बच्चों, हो गया, आगे बढ़ू मैं, अब हम एसिड की किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड। अब आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल का ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मेटल, मेटल ऑक्साइड बनाती है, और इसको हम मेटलिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। जैसे मेरे पास CuO है, क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर की भी +2 वैलेंसी, ऑक्सीजन की भी -2 वैलेंसी, दोनों कैंसिल आउट और CuO, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। इसकी मैं रिएक्शन करवाऊंगी किससे, HCl से, HCl क्या है मेरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड, CuCl2+H2O, ठीक है। अब बैलेंस कर दो, Cl कितने हैं, एक है और मास क्या है, 2 है, 2 लगा दो, अब हो गया बैलेंस, H2, लेकिन O क्या है, Cl, हो गया बैलेंस, तो कॉपर, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड CuCl2 इसलिए क्योंकि Cu की बैलेंस +2 और Cl की -1, इसलिए CuCl2 बना। तो
कॉपर फ्लोराइड। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर, यानी कि मेटल ऑक्साइड के साथ में आप लिख सकते हो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वॉटर। बेटा ये रिएक्शन पूछी जाती है, अगर हम मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन मेटलिक ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं एसिड की तो सॉल्ट और साथ में क्या बचता है वॉटर बनता है। ठीक है, देखो दीज सॉल्ट आर बेसिक, यानी कि ये सॉल्ट है ना इसका नेचर कैसा है बेसिक है। देखो बच्चों एक ध्यान रखना, अब ये बेसिक कैसे हुआ, हम इसके अंदर लिटमस पेपर को डालेंगे, लिटमस पेपर डालेंगे ब्लू को डालेंगे तो कन्वर्ट नहीं होगा, फिर हम रेड को डालेंगे तो ब्लू का कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये बेसिक है। आपको इतना ध्यान रखना है जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं एसिडिक नेचर के। यानी कि हमने हम जब भी मेटल और नॉन मेटल को पढ़ते हैं तो पहले मेटल को पढ़ते हैं और फिर एसिड को, सॉरी जब भी हम मेटल और नॉन मेटल को पढ़ते हैं तो पहले मेटल को पढ़ते हैं उसके बाद नॉन मेटल को पढ़ते हैं, इसी तरह हम एसिड और बेस चैप्टर को पढ़ते हैं तो पहले एसिड को पढ़ते हैं और फिर हम किसको पढ़ते हैं बेस को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है अपोजिट करना है, मेटलिक ऑक्साइड यानी कि बेसिक, नॉन मेटलिक ऑक्साइड यानी कि एसिडिक। ठीक है, इसी तरह नॉन मेटलिक ऑक्साइड यानी कि जो कार्बन है वो क्या है नॉन मेटल है, क्या है कार्बन नॉन मेटल, और इसका ऑक्साइड बताओ बहुत ही सिंपल है बता दीजिए, आ रहा है आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है नॉन मेटल और ये O2 तो ये क्या होगा नॉन मेटलिक ऑक्साइड, इसकी मैं रिएक्शन करा देती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ये बेस है ना, नहीं अगर OH देगा इसलिए क्या है बेस है, तो क्या बनेगा बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में वॉटर बनेगा, क्या बनेगा CaCO3 प्लस H2O, आया कुछ समझ में CaCO, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि C अभी अपन ने क्या, जी हाँ CaO होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसके साथ में अगर हम उसके साथ में वॉटर डालते हैं तो हमें क्या मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम CO2 की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और ये क्या है बेटा संगमरमर, संगमरमर का जो एग्जाम्पल जो फॉर्मूला होता है वो यही है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और साथ में क्या बनते हैं वॉटर। अब देखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड एंड बेस आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो बेटा एसिड और बेस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के बारे में आपको बता रहा हूं, एसिड और बेस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो क्या काम करते हैं बेटा, उनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का रूप में काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे तो आसानी से मूव होगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड्स एंड बेसिस आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर अगर हम डालेंगे तो वो आसानी से पास होगी, इसलिए इनका यूज किस में किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑल एसिड रिएक्ट विद बेस एंड यूज देयर प्रॉपर्टीज एंड बिकम न्यूट्रल, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इधर देखिए मैंने बोला था जो एसिड होते हैं वो बेस से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वॉटर बनाते हैं, है ना, देखो HCl प्लस NaOH बोलते रखो इस इक्वेशन को क्या बनेगा NaCl और H2O, NaCl और H2O ये क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे सोल्ट बनाएंगे और साथ में क्या रिमूव होगा वॉटर। तो बच्चों ये फाइव आपकी क्या थी जनरल प्रॉपर्टीज थी किसकी एसिड और बेस की। अब क्या है एसिड और बेस के यूजेस है, तो
यूजेज के लिए आप बुक को खोलो 54 देखो देखो सबसे पहले है देयर आर सो मेनी यूजेज ऑफ एसिड्स. एक मिनट पहले आप इसको नोट आउट कर लीजिए फिर मैं आपको यूजेज करवाती हूँ. हो गया बच्चों चलो देखो देयर आर सो मेनी यूजेज ऑफ एसिड बेसिस सॉल्ट इन आवर डेली लाइफ. फॉर एग्जाम्पल H2SO4 HCl HNO3 आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड इसलिए है क्योंकि ये इसमें क्या होते हैं मिनरल्स होते हैं. वेयर एसिड्स फॉर्म इन नेचुरल फॉर्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कार्बोनिक ऑर्गेनिक एसिड. ऐसे एसिड जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा कार्बोनिक ऑर्गेनिक एसिड कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड जो हमें नींबू से मिलता है. टार्ट्रिक एसिड जो हमें किससे मिलता है इमली से मिलता है. एसिडिक एसिड विनेगर से मिलता है. लैक्टिक एसिड दूध से दही से मिलता है. सिट्रिक एसिड ये सारे क्या हो गए बेटा ये सारे के सारे कार्बोनिक ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं. मिनरल एसिड आर यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक मेडिसिन पेंट फर्टिलाइजर्स. और जो मिनरल एसिड्स है उनका यूज किसमें होता है बेटा फैक्ट्रियों में होता है. मेडिसिन बनाने में होता है. कलर बनाने में होता है. फर्टिलाइजर में होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्री. जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलग अलग इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है. इन क्लीनिंग बॉयलर फ्रॉम इनसाइड एंड इन क्लीनिंग सिंक एंड सैनिटरी स्पेशली. देखो बच्चों बहुत सारी मशीन होती है जो अंदर से क्लीन नहीं होती तो उनके अंदर एसिड डाल के उनको क्लीन करवाया जाता है इंडस्ट्री में. ठीक है. नाइट्रिक एसिड इज यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट. देखो बेटा एक आपने नाम सुना है एक्वारेजियम. जो नाइट्रिक एसिड होता है ना HNO3 देखो HNO3 और इसके साथ HCl मिलके क्या बनाते एक्वारेजिया बनाते. देखो इधर सुनो देखो ऑन मिक्सिंग ये रहा नाइट्रिक एसिड इज यूज मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट. ऑन मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और थ्री पार्ट ऑफ HCl यानी कि एक हिस्सा तो किसका होगा ये होगा और तीन हिस्से ये होंगे यानी कि 25% तो ये होगा और 75% कौन होगा हमारा HCl होगा. ये आपस में क्योंकि HNO3 बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ये आपस में मिलकर एक सॉल्यूशन बनाएंगे और वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है एक्वारेजिया यानी कि क्या कहलाता है एक्वारेजिया. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपको पता है हम सुनार के पास जाते हैं वो एक सॉल्यूशन रखता है उसके अंदर हमारी गोल्ड ज्वेलरी को डाल देता है और उसको थोड़ा रगड़ के धोता है और हम देखते हैं कि हमारी गोल्ड ज्वेलरी थोड़ी हल्की हो गई यानी कि ये जो एक्वारेजिया है गोल्ड और सिल्वर को गलाने का काम करता है. तो इसमें वन पोर्शन तो HNO3 होगा और तीन पोर्शन HCl होगा. इसको एक्वारेजिया बोलते हैं अंडरलाइन कर लेना. नेक्स्ट है इट कैन ऑल्सो डिजोल्व मेटल्स लाइक गोल्ड. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन सेल कार बैटरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये किस किस में यूज होता है ये कार बैटरीज में यूज होता है और ये है ना सेल में यूज होता है. ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ एसिड यानी कि एसिड का जो राजा है वो कौन सा है सल्फ्यूरिक एसिड. फॉर्मूला H2SO4 फॉर्मूला बहुत लिखती हूँ बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं. देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय कंजप्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन डिफरेंट इंडस्ट्री यानी कि ये जो इंडस्ट्रियल यानी कि किसी भी देश में देखना है कि उद्योग कितना विकसित है ये देखना चाहिए कि किसमें ज्यादा ये सल्फ्यूरिक एसिड खपत हो रहा है. जहाँ ज्यादा उद्योग होगा वहाँ ये ज्यादा यूज होगा. अपार्ट फ्रॉम इट
many organic acids like acetic acid is used as vinegar in food product. यानी कि acetic acid जो होता है वो part किसका है, vinegar का है, और ये food product में use होता है. Next है prevention of pickles. Acetic acid का use कहाँ किया जाता है, जैसे अचार वगैरह के prevention के लिए किया जाता है, तभी तो इतने खट्टे होते हैं market में लाए हुए अचार. And also used in cleaning of wood furniture. यानी कि जो लकड़ी का फर्नीचर होता है उसको क्लीन करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, विनेगर को यूज करते हैं. These are also used mainly in industry. Sodium hydroxide is used in soap, detergent, paper industry, clothing. यानी कि अभी तक तो हमने एसिड के यूजेस देखे, अब हम बेस लेंगे. जो बेस है वो भी मोस्टली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत ज्यादा यूज होता है, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर बनाने में यूज होता है, कपड़ों में भी यूज होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव एसिडिटी ऑफ सोल. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी मैंने लिखा ना हाइड्रोक्साइड CaOH का ओल्डवाइज. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका यूज इसमें किया जाता है, सोइल की एसिडिटी को दूर कर सके, क्योंकि ये बेस है ना. इसलिए व्हाइट वॉश, जो व्हाइट वॉश होता है वो क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो होता है. लाइम एक कंपोनेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड, और जो लाइम है वो क्या, किसका कंपोनेंट है, इंसेक्टिसाइड. नेक्स्ट है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. MgOH का cold wise, MgOH का cold wise, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम की प्लस टू एलेन थी, OH की माइनस टू, आपस में क्रॉस कैंसिल आउट होती नहीं, ये इधर और ये इधर, इसको क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इसका यूज कहाँ किया जाता है बेटा, एंटासिड में. ये क्या है, एंटासिड, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो हम एक दवाई लेते हैं, लिक्विड होता है, उसमें क्या होता है, उसमें यही सब्सटेंस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होते हैं, और ये इसमें क्या होता है, बेस होता है, और उस एसिड को ये न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमें राहत फील होती है. ठीक है, आप देख मैं बताती हूँ आपको कहाँ गया. हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इट इज यूज्ड एज एंटासिड फॉर इन रिमूविंग एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन ऑफ स्टमक. ठीक है, समझ में आया, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को. देर आर मेनी यूजेज ऑफ सॉल्ट इन डेली लाइफ लाइक कैल्शियम. हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे जो सॉल्ट होते हैं उनका यूज किया जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने आपको बताया, संगमरमर है तो इसका यूज कहाँ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज इन मेकिंग फ्लोर एज मार्बल, इन एक्सट्रक्शन ऑफ आयरन इन मेटलर्जी, इन मेकिंग सीमेंट बनाने में आयरन की मेटलर्जी है. मेटलर्जी का मतलब आयरन, मिट्टी से जब हम होते हैं ना लोहा, तो हमें मिट्टी से, लेकिन मिट्टी से जब मिलता है और अपन यूज करते हैं तो सारा जो प्रोसेस होता है उसको आयरन मेटलर्जी बोलते हैं. वी विल स्टडी यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड इन नेक्स्ट सेक्शन. यानी इसी चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. सिल्वर नाइट्रेट Sn3 मेनली यूज्ड इन फोटोग्राफी. बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट इसका यूज किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में. अमोनियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव अल्म फिटकरी जो है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस डॉट 24SO4 जिसको हमने क्रिस्टलाइन वाटर बोला था इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. इन दिस वे देयर आर मेनी सॉल्ट व्हिच आर वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ. देखो बच्चों, हमने इसमें एसिड बेस और सॉल्ट का यूजेज पढ़ा है. आज की क्लास में हमने लुईस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, कि लुईस कॉन्सेप्ट में हमें यह बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो तो बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है वो कौन होता है, एसिड होता है. फिर हमने जनरल प्रॉपर्टीज की बात की, उसमें हमने पहला लिटमस पेपर टेस्ट देखा, फिर हमने क्या देखा, मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है,
फिर हमने मेटेलिक ऑक्साइड, फिर हमने ये इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई और फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में बात की, फिर हमने एसिड के यूजेस पढ़े, बेस के यूजेस पढ़े, फिर हमने सॉल्ट के यूजेस पढ़े। तो बच्चों कल हम पढ़ेंगे पीएच, इसलिए तो आज तक जितना भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रीड आउट करके आना बच्चों, समझना, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछना, और अपन मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।